मटन जो है मैंने वॉश कर लिए हैं और अब मैं इसके बना दूंगी पैकेट। और अच्छा ये जो ना अब आप सोच रहे होंगे 7-8 कोफ्ते हैं, ये थोड़ा सा मैंने गोश्त था तो मैंने उसकी बना के ये बनेंगे कोफ्ते आलू। यहाँ हमारी बन रही है यखनी, तो ये बन रहा है पुलाव। तो अभी एक ही वक्त में मैंने सोचा कि गोश्त था ना आया था तो मैंने सोचा ताज़ा ताज़ा कर लेती हूँ। यखनी चढ़ा दी, उधर थोड़ा सा साफ बोटियाँ थी मैंने उसमें से थोड़ा सा, क्योंकि ये जो है बीफ है इसी में से मैंने साफ निकाली बोटियाँ, तो कोफ्ते बना लिए उसमें एक आलू डल जाएगा, यानी एक वक्त के लिए इनफ है हम लोगों के लिए। और वो थोड़ा सा मटन था, मटन को पैकेट बना के रख दूँगी। तो फिर अभी बस चलते हैं। और मैं बना रही हूँ यखनी पुलाव, यखनी बिरयानी जिसे कहते हैं वो बना रही हूँ। और ये मैंने दम के लिए तवा गरम कर रही हूँ, बस ये दम पर आने वाला है। अच्छा मैं वीडियो में इसलिए अभी पोस्ट नहीं हो रही क्योंकि मेरा मोबाइल में ना प्रॉब्लम हो गया है और चार्जिंग का मसला हो रहा है, तो मैं जाऊँगी उसको मार्केट तो फिर मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी। चलें ठीक है, अभी देखते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और रायता मैं बना चुकी हूँ। अच्छा रायता मैं बनाती हूँ ना तो दही वगैरह, दही को फेंटती हूँ, उसे प्याज डालती हूँ और टमाटर, हरी मिर्च, हरे मसाले की चटनी। ठीक है अब चलें, यहाँ तो मोबाइल गर्म हो गया है माशाल्लाह से। देखिए पुलाव तैयार हो गया, मुझे बहुत भूख लग रही है। और ये मैंने बनाया रायता इसके साथ और ये मैं अभी इसे साइड पे डाल दूँगी। आप लोग बताएगा इस तरह यखनी बिरयानी कौन कौन बनाता है, किस तरह बनती है आप लोगों के घर। तो मुझे तो ये खैर बहुत पसंद है, जल्दी से आ जाइए आप लोग मेरे साथ खाइए। ज़रा ये मुलाहिज़ा कीजिए, बोटी बिल्कुल नहीं खाती, ठीक है, तो कहती है पुलाव बनाए सही है और कहती है मटर गोश्त बनाए, बोटी नहीं खाएगी उससे मटर नहीं खा देगी। ये हमारी तनी का इसको ढूंढने के लिए, हाँ देखिए ये सामने रखा हुआ है और नज़र नहीं आ रहा था। अच्छा नहीं मैं जा रही हूँ अभी, कहाँ जा रही हूँ बताती हूँ अभी आपको जल्दी से। हाँ तो मैं जा रही हूँ अभी सरीना, और क्योंकि मुझे ये मोबाइल का मैंने आपको दिखाया था ना इसको करना है। देखती हूँ अगर चार्जिंग का मसला है, मुझे जहाँ तक लग रहा है जैक का मसला कोई मसला नहीं है, तो ये इंशाल्लाह सही हो जाएगा। तो ताकि मैं इसके साथ इसकी वीडियो बनाऊँ, और ये है कि अगर कोई समझ में नहीं आएगा तो फिर मैं दूसरा लूँगी और वहाँ से शायद एक दो चीज़ और भी लेनी है, मैं वहाँ से जब आऊँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। और इसका मेरे साथ जुड़े रहेगा, जाइएगा नहीं। माशाल्लाह इतना सही सब कुछ, बस चार्जिंग का मसला हो रहा था। अच्छा पता है क्या हुआ, मैंने दूसरा मोबाइल ले लिया था ना, तो इसको मैंने सोचा कि कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको बैटरी डाल के मैंने इसको रख दी, ठीक है ना। अब जब वहाँ गई तो उसने बताया कि चार्जिंग का जो जैक होता ना उसकी पिन का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, और इसके अलावा जो है इसका जो ना आईसी का पता नहीं क्या मसला है। अब देखते हैं, मैं अभी तो खैर मैं तो प्रोग्राम ये था कि मैं वो कह रहा था इसको सेल कर दें, मैंने कहा सेल तो करना है मुझे, लेकिन घर आके फिर मैं अपने बेटे रजा से मशवरा करूँगी कि इसके अलावा कौन सा मोबाइल लेना है। तो मैंने बताया था ना अभी 2-3 दिन से मेरी वीडियो क्यों नहीं आ रही, ये प्रॉब्लम हो रहा है। और हाँ मैं वहाँ गई थी लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी लाई हूँ, वो क्या लाई हूँ कल मैं उसकी वीडियो बनाऊँगी, मेरा मोबाइल आ जाएगा दूसरा अच्छा सा, तो फिर मैं उसकी अनबॉक्सिंग करूँगी। तो बहुत ज़बरदस्त है, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा कि मुझे कौन सा मोबाइल लेना है, ताकि मैं जब जाऊँगी तो दूसरा लेकर आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।